में स्कूल चाहिए, मोहल्ले में हम लोग को मिल जाएगी, जीत जाएगी, शिक्षा के लिए हम लोग को स्कूल अच्छा चाहिए। साल में 1,00,000 रुपया दिएगा एक साल में, ठीक है मैम, लेकिन मोहल्ले गांव में हम लोग को बच्चों को चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं आपके साथ वंदना। राबड़ी देवी से जनता ने सवाल पूछ डाला। जनता के बीच जब राबड़ी देवी अपनी बेटी मीसा भारती के लिए वोट मांगने पहुंची तो उन्हें भारी फजीहत का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि पाटलिपुत्र सीट पर 1 जून को 7वें चरण में चुनाव होने हैं। ऐसे में उसके ठीक पहले चुनाव प्रचार प्रसार में सभी दल लगे हुए हैं। उसी बीच जब अपनी बेटी मीसा भारती के लिए वोट मांगने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जाती हैं तो पहले सुनिए कि राबड़ी देवी से जनता ने कैसे तीखे सवाल पूछे और उन तीखे सवालों का जवाब देने में असहज दिखी राबड़ी देवी। और उसके बाद जब जनता पूछती है कि क्या मीसा भारती चुनाव जीतने के बाद हमारे बीच आएंगी तो पहले सुनिए कि राबड़ी देवी ने क्या कुछ कहा है। देखिए मैम, स्कूल चाहिए मोहल्ले में, हम लोग को मिल जाएगी, जीत जाएगी, शिक्षा के लिए हम लोग को स्कूल अच्छा चाहिए। साल में 1,00,000 रुपया दिएगा एक साल में, ठीक है मैम, लेकिन मोहल्ले गांव में हम लोग को बच्चों को चाहिए। स्कूल हम लोग आपके सामने सब दिन है ना, हमारा जब सरकार बनेगा माँ कर देंगे 500 रुपया आपका, 7वें चरण का मतदान 1 जून को होना है जिसमें पाटलिपुत्र सीट भी शामिल है। पाटलिपुत्र सीट की अगर हम बात करें तो यहां से राजद ने मीसा भारती को टिकट दिया है। मीसा भारती लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं। ऐसे में एक तरफ जहां रामकृपाल यादव एनडीए के प्रत्याशी हैं तो वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती इस सीट से चुनावी मैदान में उतरी हैं। उनके लिए अब जब इनकी माँ राबड़ी देवी वोट मांगने जाती हैं, जनता के बीच पहुँचती हैं तो वहाँ जनता जो है वो गुस्से में नजर आई। जनता का सवाल था कि अगर राबड़ी देवी की बेटी यानी कि मीसा भारती चुनाव जीतती हैं तो क्या वो जनता के बीच जाएंगी। इसके बाद राबड़ी देवी से जनता ये भी तीखे सवाल करती है कि अगर 5 साल पहले मीसा भारती यहाँ से हार भी गई तो उस दौरान 5 साल के भीतर वो जनता के बीच क्यों नहीं आई। अब फिर वोट मांगना है तो आप लोग हमारे पास आते हैं और वोट मांगने के बाद फरार हो जाते हैं। कई सारे तीखे सवाल जनता के थे और राबड़ी देवी पहले तो उन सवालों से पीछा छुड़ाने की कोशिश करती हैं लेकिन बाद में राबड़ी देवी बात को संभालती हैं और कहती हैं कि नहीं, हम आएंगे, जनता के बीच आएंगे, जनता की तकलीफों को सुनेंगे। आपने सुना कि किस तरीके से मीसा भारती की माँ और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने इन सभी चीज़ों को संभालने की कोशिश की है लेकिन कुल मिलाकर बात यही है कि जनता मीसा भारती के चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान उनकी माँ राबड़ी देवी से तीखे सवाल पूछती है और उसका जवाब भी राबड़ी देवी देती हैं। कुछ सवालों को नज़रअंदाज करती हैं लेकिन कुछ सवालों का जवाब देती हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव के बाद रामकृपाल यादव वहां से जीतते हैं या फिर मीसा भारती, क्योंकि चुनावी टक्कर है। 2 बार वैसे भी मीसा भारती उस सीट से हार चुकी हैं और उस बार फिर से वो चुनावी मैदान में उतरी हैं, अपनी किस्मत आजमा रही हैं। नतीजा क्या होगा 4 जून को सब सामने आ जाएगा। तब तक आप तमाम खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ,
अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।